हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुगल काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये हमारा मध्यकालीन भारत का जो प्रैक्टिस सेट है वो लास्ट है, और इसके बाद जो है वो आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहला है, कुछ घटनाएं दी गई हैं यानी कुछ युद्ध दिए गए हैं, और इसका क्या करना है हमको, एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले खानवा का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध आएगा, और तालीकोटा का युद्ध जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी की। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। तालीकोटा का युद्ध जो है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था 1565 में। आगे आगे देखते हैं, फिर से युद्ध दिए गए हैं और उसका मिलान करना है। तो वही कन्नौज, चनेरी, तालीकोटा। तालीकोटा जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो तालीकोटा का तो सबसे लास्ट में है, तो सभी ऑप्शन में तालीकोटा ही रखा है। और सबसे पहले जो है चौसा का, यहाँ पर चंदेरी का युद्ध आएगा। सबसे पहले जो है चंदेरी का युद्ध आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में, चौसा का युद्ध जो है 1539 में, कन्नौज का युद्ध 40 में, और तालीकोटा 1565। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दरो का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो यहाँ पर सबसे पहले है दरो का युद्ध। दरो का जो है हुमायूं और अफगानों के बीच में अफगान सेनाओं की हार हो गई थी इसमें, जिसको दरो युद्ध बोलते हैं 1532 में। तो फर्स्ट नंबर सबसे पहला आएगा, और जो सामूगढ़ का युद्ध है वो सबसे बाद में आएगा, क्योंकि सामूगढ़ का जो है वो शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का जो है युद्ध हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हो गई थी। कन्नौज का युद्ध जो है विलग्राम 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से घायल कर दिया था। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकारी के उसमें हुआ था, और औरंगजेब इसमें विजय हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर 1526 से लेकर 1556 के बीच जो युद्ध हुए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले है घाघरा का युद्ध। तो घाघरे के युद्ध के लिए तो दो ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो है हुमायूं का कलिंजर अभियान हो जाएगा घाघरा, और फिर उसके बाद जो है चौसा का युद्ध होता है, और फिर अकबर का जन्म होता है। व्याख्या देखते हैं। गग्गर का युद्ध जो है 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। 1531 में हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया, और चौसा का युद्ध जो है हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य जून 1539 में हुआ था। अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राजा बीसल वीर साल के यहाँ 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार घटनाओं का सही कालक्रम जो है वो इस तरह से होगा, घग्घरा, घाघरा, हुमायूं कलिंजर और चौसा का युद्ध और अकबर का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें किसका युद्ध जो है किसके समय में लड़ा गया। तो हल्दी घाटी तो अकबर हो जाएगा, हल्दी घाटी अकबर का हो जाएगा। बिलग्राम, बिलग्राम जो है हुमायूं का हो जाएगा। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के काल में हुआ था, और खानवा का जो है बाबर के समय में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बाबर का जो है खानवा, हुमायूं का चौसा, अकबर का हल्दीघाटी और जहांगीर का बल्ख। तो बी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 16 मार्च 1527 को हुआ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं ने गंगा नदी में कूद कर अपने प्राणों की रक्षा की थी। भारत के थर्मोपल्ली नाम से प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। बल्ख युद्ध शाहजहां के शासनकाल में 1646 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुराद ने बल्ख पर विजय प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, सूची एक और सूची दो में मिलान कीजिए। सबसे पहला है 1556 का मिलान करेंगे पानीपत का, द्वितीय युद्ध 1576 का हल्दीघाटी का युद्ध, फिर उसके बाद जो है 1817 का हो जाएगा तृतीय मराठा युद्ध, और चतुर्थ मैसूर जो है वो एक ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ से फिर से युद्ध जो है वो हमें यहाँ पर मिलान करना है। सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा 17 मई 1540 में, फिर उसके बाद है सरनल का युद्ध, फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध, और फिर लास्ट में जजाई का युद्ध। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से युद्ध दिए गए हैं उसको देखते हैं। पानीपत का युद्ध 1761 का है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, यानी कि सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हल्दीघाटी का युद्ध 1576, फिर उसके बाद तराइन का है 92 91 और 92। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा है तो 92 हो जाएगा, 1 पूछता तो 91 हो जाता। असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 में। फिर से देखते हैं, संधि गई है और यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 61 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 61 में, तराइन का द्वितीय युद्ध यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा। 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, यहाँ पर संधियां हैं तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी हमारी, 1765 में। मंगलौर की संधि जो है 1784 में, सालवाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है? तो आंसर कानूनगो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। कानूनगो ने ही अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, डॉक्टर आर कानूनगो ने शेरशाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शासन प्रबंध और सीमित प्रतिभा की दृष्टि से शेरशाह सूरी ने सर्वश्रेष्ठ था। डॉक्टर आर कानूनगो ने अपना मत जो है तारीख शेरशाही में भी रखकर आधार बनाया था। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो आंसर हमारा हो जाएगा हकीम सूर।
हल्दीघाटी का युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हाकिम खां सूर कर रहा था। राणा प्रताप की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा प्रताप की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा प्रताप ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। बादशाह अकबर के पुत्र मुराद की मृत्यु जो है 1599 में अत्यधिक मद्यपान के कारण हो गई थी। इसी तरह बादशाह के एक अन्य पुत्र दानियाल की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान के कारण हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी तो अत्यधिक मद्यपान पीने से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक घटना दी है और उसका समय दिया है। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1556 में अकबर का राजारोहण हुआ था। 1576 में मजहर की घोषणा हुई थी और बनारस फरमान जो है 1658 में हुआ था। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अकबर का राजारोहण 1556 में कालानौर नामक स्थान में हुआ था। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और इसका खाका जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था। औरंगजेब का बनारस फरमान जो है 1685 में हुआ था। आगे देखते हैं मुगल कालीन मुस्ताफी मामूलिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो ये जो है राजस्व विभाग के अधिकारी थे, आय व्यय की जांच करने वाले अधिकारी थे। तो आंसर केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा और ए जो है गलत हो जाएगा। मुगल प्रशासन के अंतर्गत वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी वजीर था। इन विभागों के अलावा अन्य विभागों पर भी वजीर या दीवान का प्रभाव होता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने खालसा शाही भूमि की देखभाल, दीवाने तन वेतन तथा जागीरों की देखभाल, मुस्तैफी आय व्यय की लेखा जोखा की जांच करना, मुस्तैफी व मुमालिक जो है महालेखा परीक्षक राज्य के खर्चों की जांच करता था। आगे देखते हैं मुगल काल में निम्नलिखित में से क्या अधिकार कृषक का अपनी निजी भूमि पर होता था। तो आंसर उपयुक्त सभी प्रकार के अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर मुगल कालीन कृषक तीन वर्ग में विभाजित थे। एक तो खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। खुद कास्त किसान वे खेतीहर होते थे जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जिसके वे निवासी होते थे। उन्हें अपनी भूमि पर स्थायी एवं वंशानुगत स्वामित्व प्राप्त होता था। उन्हें अपनी भूमि को बटाई पर देने तथा बेचने का अधिकार था। पाई या पाही कास्त वे किसान होते थे जो दूसरे गाँव में अस्थायी रूप से जाकर बटाईदार के रूप में खेती करते थे। मुजारियन किसान के पास इतनी कम भूमि होती थी कि वह उसे ना तो बेच सकता था और ना ही रेहन कर सकता था। ये अधिकतर कृषि मजदूर होते थे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था। मुगल कृषि योग्य संपूर्ण भूमियां चार श्रेणियों में विभक्त था। पहला है पोजल भूमि, इस पर सदैव खेती होती थी। परती भूमि, इस भूमि पर एक या दो वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। अगला है चाचड़ या चाचर भूमि, इस पर तीन या चार वर्ष के बाद ही खेती की जाती थी। बंजर, इसमें पांच से भी अधिक समय लग जाता था और अकबर ने पैदावार का 1/3 भाग माल गुजारी के रूप में वसूला था। अगला क्वेश्चन। अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु वाले किसान कहलाते थे तो पाही कास्त कहलाते थे। मुगल प्रशासन शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था किसका, तो माल भू राजस्व का करता था, भू राजस्व का। आगे है भू राजस्व आवंटन के लिए भूमि आरक्षित रखी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था। महाले पैवाकी, महाले पैवाकी कहा जाता था। भू राजस्व आवंटन के लिए
भूमि आरक्षित रखी जाती थी, उसे महाले पेवाकी कहा जाता था एवं उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार नई जागीरें प्रदान करने के लिए भी किया जाता था। राज्य के सीधे नियंत्रण और प्रबंध में रखी गई भूमि को महाले खालसा कहा जाता था। मुस्लिम शासक शासन के दौरान वह क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसके सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में एक नियत अवधि के लिए दिया जाता था, उसे महाले जागीर कहा जाता था। मुगल काल में जागीरों की समुचित व्यवस्था की गई थी। वतन जागीर एवं अलमत्ता जागीर राजाओं और जमींदारों को वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी। ऐसी जागीर का स्थानांतरण नहीं होता था। मुगल कालीन भारत में राज्य को भू राजस्व से भी सर्वाधिक आय होती थी। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह किससे जागीर प्रदान करता था? तो महाल ए पैवाकी से। महाल ए पैवाकी से। निम्नलिखित में से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी? तो वतन जागीर। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। आगे देखते हैं, गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही में अंतर अंतर कितना था? तो अंतर जो था 39 जो है गज सिकंदरी था और गज इलाही जो है 41 था। तो आईने अकबरी के अनुसार शासन के 21वें वर्ष तक अकबर द्वारा भूमि की नाप करने की मानक इकाई जो है गज सिकंदरी होती थी। जो लोदी काल में प्रचलित कांसी के सिक्के इस केंद्री के 41 इस केंद्री के व्यास के बराबर था। अकबर ने 41 अंकों के मध्य जो है गज इलाही गज का प्रचलन आरंभ किया था। गज सिकंदरी और गज इलाही में 39:41 का अंतर था। जब युद्ध में हिंदू शासक हार जाते थे तो उन्हें हर जाने के रूप में युद्ध सहायता हेतु युद्ध सामग्री एवं सैनिक सहायता देने पड़ते थे, जिसे मुगल काल में खिदमती कहा जाता था। वस्तुतः यह अधीनस्थ द्वारा अपने उच्च अधिकार को दी गई भेंट होती थी। खालसा भूमि इकाइयों का भू राजस्व वसूल करने के लिए प्रत्येक इकाई में पृथक पृथक अमील नियुक्त किए गए, जो करोड़ी नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी सहायता के लिए वितीची या मुंशी व एक खजांची नियुक्त किए गए थे। खिदमती क्या था? तो खिदमती जो है पराजित सरदारों द्वारा दे कर हुआ करता था। मुगल काल में करोड़ी कौन था? तो करोड़ी जो है भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था। मुगल काल में मीर बख्शी जो है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया करता था। तो मीर बख्शी का कर्तव्य जो है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन के सैनिकों के शस्त्रों वस्त्रों घोड़ों और रसद की देखभाल करना, मानसिक वेतन का निर्धारण, पदोन्नति का निर्धारण आदि थे। उपरोक्त अधिकारों तथा मनसबदारी व्यवस्था आने से उसके अधिकार असीमित हो गए। यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो सेना का प्रधान जो है मीर बख्शी होता था। सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। इसके अलावा यहाँ पर जो है भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण भी करता था। तो यहाँ पर सारे जो हैं दे रखे हैं क्या क्या काम करता था मीर बख्शी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार सीमित थे? तो मीर बख्शी के ही कार्य जो है सीमित थे। मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है और ये महसूल जो है वास्तविक राजस्व के लिए यूज किया जाता था। मुगल भू राजस्व प्रशासन में महसूल जो है राज्य या प्रांत की सकल राजस्व आय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मुगल राजस्व व्यवस्था का संस्थापक अकबर था। प्रारंभ में उसने शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया था। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में राजस्व निर्धारित की मुख्य प्रणाली प्रचलित थी, जप्ती या दहसाला प्रणाली, गल्ला बख्शी या भोली, कनकूत नक्श। इस काल में भू राजस्व की फसलवार नकदी
अनुसूचियों के विवरण दस्तूरुल अमल में अभिलिखित किया जाता था। मुगल काल में छोटे जागीरदारों के लिए अपनी जागीर से दूर रहकर भू राजस्व वसूल करना कठिन था, अतः उन्होंने अपनी जागीरों को इजारा यानी कि भू राजस्व वसूलने का ठेके देना प्रारंभ किया। कभी कभी बड़े जागीरदार भी अपनी जागीर इजारा देने पर देते थे। यह प्रथा कृषकों के लिए एक अभिशाप थी। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली है तो इजारा। आगे देखते हैं, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था, तो ददनी प्रथा का किया जाता था। आंसर हो जाएगा ददनी। ददनी का व्याख्या देख लेते हैं। ददनी शब्दावली का प्रयोग जो है व्यापारियों द्वारा दस्तकारों के किए गए अग्रिम भुगतान से है। इसके अंतर्गत शिल्पकारियों को पहले पैसे दे दिया जाता था तथा तय सीमा पर माल तैयार करके व्यापारियों को देना होता था। निर्धारित लगान देने के अतिरिक्त कर को दस्तूरी या मलिका हुक्के कहते थे। तकवी सरकार द्वारा किसानों को दिया गया पेशगी रकम हुआ करता था। आगे निम्नलिखित में से किस खाद की खेती का आईने अकबरी में उल्लेख नहीं है, तो आंसर आलू का नहीं है और टमाटर का नहीं है। आलू टमाटर का। आगे देखते हैं, आईने अकबरी में विभिन्न प्रकार की रवि और खरीफ फसलों की सूची दी गई है किंतु टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाम तामे की मुद्रा हुआ करती थी। देसाई जो है राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब जो है एक नापने के लिए यूज किया जाता था भूमि नापन के लिए, तो ये जरीब जो है ये सही नहीं है। मुगल काल में अकबर पूर्व काल तक भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी ही प्रचलित रहा है। 1575 में खालसा भूमि के विस्तार हेतु नवीन भूमि नाप की व्यवस्था लागू की गई। इसके लिए जरीब का प्रयोग किया गया जो कि 39 अंगुल का था। जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडलमल द्वारा किया गया था। उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार करवाई थी। इसके तहत पहाड़ी इलाकों और राजपूत राज्यों बिहार गुजरात और मुल्तान के भाग को छोड़कर शेष भागों की नाप करवाई गई थी। 60 वर्ग गज का एक बीघा माना जाता था। 1586 में इलाही गज जो है 41 अंगुल और 35.5 इंच का प्रयोग आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सूबों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सबसे पहले है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में 15-15, 18-20 सूबे थे। शाहजहां ने थट्टा, उड़ीसा और कश्मीर को स्वतंत्र सूबे का दर्जा दिया था। दक्षिण भारत के 4 सूबों के लिए अलग अलग प्रशासक नियुक्त किए गए थे, तो आंसर 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, शाहजहां ने थट्टा, कश्मीर व उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। इसके काल में सूबों की संख्या जो है 18 हो गई थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां औरंगजेब के सूबों की संख्या जो है 15 अकबर के काल में भी रही, जहांगीर के काल में भी रही और शाहजहां के काल में जो है ज्यादा बढ़ गया था तो 18 हो गई थी। और औरंगजेब के समय में 20 हो गए थे क्योंकि जो साउथ का था वो भी इसमें ऐड हो गया था 2, तो इसलिए इसके 20 हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में सरकारों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं थे। मुगल काल में सरकारी फरमान जारी करने का अधिकार केवल
बादशाह को था। यह प्रांत में आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह अधिकारियों को पदच्युत और नियुक्ति करने की संस्तुति भी करता था। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हमारा सूबा और परगना के बीच, सूबा और परगना के बीच की इकाई। लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं था, तो सरकारी फरमानों का निर्गम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था, बरबक जो है वो लेखक था। सही यहाँ पर बताना है, बरबक जो है लेखा था, मुशरिक जो है गुप्तचर था, मुशरिफ जो है शाही कारखाना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मुशरिफ जो है शाही कारखाना, ये सही है। आगे देखते हैं, बरीद जो है गुप्तचर विभाग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक हुआ करता था, मुत्सद्दी जो है बंदरगाह का अधीक्षक हुआ करता था। मुत्सद्दी बंदरगाह का मुख्य संचालक होता था, यही बंदरगाहों का संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करता था। बिना इसकी आज्ञा के किसी विदेशी व्यापारियों व्यापारी को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं थी। इस अधिकारी का स्थान प्रांतपति के समकक्ष था और बंदरगाह के मुत्सदी द्वारा सीमा शुल्क कार्यालय का एक अधीक्षक नियुक्त किया जाता था। मीरे बहर जो है जल सेना का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य जो है शाही नौकाओं की देखभाल करना था। तहसीलदार जो है शासन के कारखानों की देखभाल करता था, जो दीवाने वायु यात का सहायक था। मुशरिफ जो है राज्य की आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था। नर नाल जो है सैनिकों द्वारा पीठ पर ले जाने वाली तोपें थी। शुतर नाल जो है ऊंट के पीठ पर ले जाने वाली तोपें थी। हाथी के पीठ पर रखी जाने वाली पीठ जो है गजनाल कहा जाता था। मुगल काल में हल्की तोपों के अतिरिक्त भारी तोपों में औरंगजेब की फतेह, हर हब और मलिका मैदान प्रमुख था। आगे देखते हैं, नर नाल जो है वो होती थी मनुष्य के, नर मतलब मनुष्य, नाल मतलब तोप, तो मनुष्य द्वारा उठाई जाने वाली तोप हुआ करती थी। अब यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर वतन ए तन, यहाँ जागीर और वेतन को देखना, तो तीसरा ऑप्शन जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है राज मुस्तैफी जो है राज्य आय व्यय का निरीक्षक करता था। मुशरिफ जो है कार्यालय को संभालने के लिए, और वाकयानवीस जो है प्रमुख घटना व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के सही युग्म में से किस युग्म ने अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था, तो अकबर और औरंगजेब यहाँ पर सही हो जाएगा, अकबर और औरंगजेब डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, अकबर और औरंगजेब द्वारा अपने सदरों को अपदस्थ किया गया था। सदर उस सदूर जो है धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना इसका प्रमुख कर्तव्य था। शेख अब्दुल नबी को अकबर ने 1561 और 62 में सदर सुदूर के पद पर नियुक्त की थी। इस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक अनुदानों के विषय में उसका निर्णय जो है सर्वोपरि था। धार्मिक मामलों पर यह बादशाह को सलाह भी देता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो आंसर दाम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या है, व्याख्या को देखते हैं। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, रुपया चांदी का सिक्का हुआ करता था।
अकबर कालीन मुहर तोल में 170 ग्रेन समझा जाता था। तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन का होता था, जो कि चांदी के रुपए का 40वां भाग हुआ करता था। चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो है 1:64 था। मुगल शासन काल में सोना, चांदी, तांबे विभिन्न तौल और मूल्यों के सिक्के चलाए गए थे। इनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया गया। सिक्कों पर बादशाह का नाम, टकसाल का नाम, जारी किए गए वर्ष के अतिरिक्त अधिकांश पर जो है कुरान की आयतें अंकित की गईं। अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो है संसप था, जो तौल में 101 तोले के करीब हुआ करता था, जिसका प्रयोग बड़े लेन देन में हुआ करता था। चांदी का अधिक चलने वाला सिक्का रुपया हुआ करता था। स्वर्ण मोहर जो है चांदी के रुपये और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। अकबर ने राम सिया के सिक्के भी चलाए थे। ये काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, ए और आर दिया गया है। मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलित थीं। स्वर्ण चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज द्वारा निर्धारित होता था। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु इन दोनों की व्याख्या जो है वो सही नहीं है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक होता था? तो सूती कपड़े और रेशमी वस्त्रों का ही होता था। प्राचीन काल से ही भारतीय वस्त्र निर्माण और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आय का एक प्रमुख सोर्स रहा है। मुगल कालीन भारत में भी सूती और रेशमी वस्त्र निर्यात की एक प्रमुख वस्तु थी। सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्रों में बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा तथा मालवा प्रमुख थे। तो याद रखिए, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, बनारस हो गया, उड़ीसा हो गया और मालवा, यहाँ पर सूती वस्त्र बनाए जाते थे। इसी प्रकार कासिम बाजार, मालदीव, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर और बनारस रेशम उद्योग के लिए फेमस थे। सूती वस्त्र मुगल काल में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी, क्योंकि उनकी मांग जो है पश्चिम देशों में अधिक थी। अंग्रेज व्यापारियों ने 1599 में कंपनी का गठन किया, जिसका उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। आगे देखते हैं, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सूती वस्त्र था। आगे देखते हैं, मुगल काल में नील उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा था? तो बयाना। मुगल साम्राज्य में नील जो है उत्तर के क्षेत्र बयाना में उगाई जाती थी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि थे। खाद्य फसलों के अतिरिक्त नगदी फसलों में भी पटसन, नील, कपास, अफीम का उत्पादन होता था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत कई गांव हुआ करते थे। मुगल काल में गांव को मावदी या डी कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल बादशाह गांव को एक स्वतंत्र संस्था मानते थे, तथा उन्होंने भी दिल्ली सुल्तानों की भांति गांवों के प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। ग्राम प्रधान या मुकद्दम ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। आगे देखते हैं, मुगल काल में देह का क्या तात्पर्य था? तो देह जो है गांव मौजा हुआ करता था। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ पद है और उनका जो है अर्थ दिया गया। कुंडी, दीवान, आमिल, आजाद, दस्ता। आजाद दस्ता तो गुरिल्ला बैंड हो जाएगा, दो जगह दिया है। उसके अलावा कुंडी जो है हुंडी को बोलते थे, दीवान राजस्व विभाग हो गया, खजांची हो गया, दीवान जो है खजांची हो गया, और आमिल जो है राजस्व विभाग हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगलों का सैन्य संगठन आरंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। जमींदारी संकट में व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है, दोनों चीजें ही सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही हो रही है। व्याख्या देखते हैं, मुगल सैन्य व्यवस्था में भी
जन्मजात त्रुटियां थी। सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति ही निष्ठा रखते थे, सरकार सम्राट के प्रति नहीं। 18वीं शताब्दी में मुगल सैन्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई और उनके सैनिकों में सभी अवगुण जैसे अनुशासनहीनता, बिलासपूर्णता, निष्क्रियता आदि आ गए थे। मुगल काल के प्रशासन का मूल तत्व जो है मनसबदारी था और इस मनसबदारी को आधार बनाकर सेना दे रही थी। इस मनसबदारी का प्रथम विकास अकबर के शासनकाल में हुआ, किंतु आगे आने वाले बादशाहों ने काफी विस्तार से दिया और उनके सैन्य असैन्य दोनों प्रकार के प्रशासन में दिखता है। तो यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि जो है बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और जो माइक की जो भी माइक जो यूज करी हूँ उसकी बैटरी भी लो हो गई है, तो इसको हम आगे कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।